कहे लाल इश्क दियां की दसां जिन्हों अपने राहे पा लैंदा बुल्ले शाह वर्गे मुरशद नूं गलियां विच नच्चण ला लैंदा। परवाना जी ते कदे ओह वी समां सी कि स्टेजां दे उपर लगातार इन्हां ने कहा मैं नच भी लैंदा सी। मित्रां दे टूबल ते पानी लैण दे बहाने आ जा भाभी साग नूं ना जाई तेरा मुंडा रोऊगा मित्रां दा चल्लिया ट्रक नहीं चुप करके चढ़ जा बहुत मशहूर गीत सी पुराने। ये गीत पूरे अपने समय दौर दे विच प्रचलित रहा। समय का गेड़ एक ऐसा फिरिया कि जिन्होंने गीत गाए से जिन्होंने गीत लिखे से अज उन्हां दी तुहानूं एक दर्द भरी कहानी सुनावांगे जिस कहानी नूं देख के तुहाडियां अखां नम हो जाणगियां। लुधियाने शहर दे विच प्रॉपर्टियां रहियां 7-8 कोठियां रहियां इन्वेस्टर गड्डियां सी राजदूत उस समय दे मोटरसाइकिल सी पर अज एक किराए दे मकान विच बैठ के अपना गुजारा कर रहे आ। सत श्री अकाल जी रंगला पंजाब टोरंटो टीवी वेख रहे हो तुसीं ते मैं तुहाडा अपना रणजीत सिंह राणा ते मेरे नाल मेरे सहयोगी पत्रकार नसीब सिंह बिरक। मित्रां दे टूबल ते पानी लैण दे बहाने आ जा भाभी साग नूं ना जाई तेरा मुंडा रोऊगा मित्रां दा चल्लिया ट्रक नहीं चुप करके चढ़ जा बहुत मशहूर गीत सी पुराने क्योंकि लोग अजकल दे गीतां तुसीं सुन चुके हो पर पुराने गीत इन्ने क मशहूर सी जिहड़े उदों पत्थर दे तबियां ते इह गीत पूरे अपने समय दौर दे विच पूरे प्रचलित रहे आ। अज भी जेकर तुसीं इंस्टाग्राम आईडियां ते खोलोगे तो एक गीत नूं काफ़ी लोग इंस्टाग्राम ते अपनी वीडियो पाउंदे ने कि मित्रां दा चल्लिया ट्रक नहीं चुप करके चढ़ जा। हुण इह गीत किन्हां ने गाए किन्हां ने लिखे किन्हां दी आवाज़ विच सी पर अज की होया समय का गेड़ एक ऐसा फिरिया क्योंकि समा बलवान है समय में कोई जित नहीं सकया समय का कुछ ऐसा गेड़ मिलया फिरिया कि जिन्होंने गीत गाए से जिन्होंने गीत लिखे से अज उन्हां दी तुहानूं एक दर्द भरी कहानी सुनावांगे जिस कहानी नूं देख के तुहाडियां अखां नम हो जाणगियां। सुन के पता लगेगा कि समा किड्डा वड्डा बलवान है। जिन्हां कोले दस दिना कि लुधियाने शहर दे विच प्रॉपर्टियां रहियां 7-8 कोठियां रहियां अलग अलग थावां ते कोठियां सी इन्वेस्टर गड्डियां सी राजदूत उस समय दे मोटरसाइकिल सी वह भी रखे पर अज एक किराए दे मकान विच बैठ के अपना गुजारा कर रहे आ। मैं तुहानूं दिखावांगा कि जिन्हां दे अज बाथरूमां नूं दरवाजे नहीं लगे सगों कपड़े बन्ने हुए आ ऐसा समा की होया हालात किवें होए तुहानूं मैं दस दिना उस शख्सियत बारे कि मेरे नाल बैठे ने चतर सिंह जी परवाना जिन्हां नूं तुसीं अज भी यूट्यूब ते सर्च मारोगे तो ओल्ड सोंग और सब तो वड्डी गल इह है कि अजकल दे तुसीं कलाकार देखे आ गाणा गा के नचना पर इह नाल गाउंदे भी सी नाल नचदे भी सी लगातार 15-15 मिनट स्टेज ते लगातार नचदे सी जिन्हां दी अज भी असीं तुहानूं दसांगे दर्द कहानी। अज सब तो पहले असीं स्वागत कर लैंदे आ चतर सिंह परवाना जी ना। हाँ जी बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद मैं थोड़ा धन्यवाद करदा कि तुसीं मैनू आ के पर उपकार किया दर्शन दिते है मैनू इउं लगता कि रब धरती दे उत्ते आ के मैनू मिल पिया। नहीं नहीं जी ऐसी कोई गल नहीं जेकर सब तो पहला तुसीं सानू कोई गीत सुनाओ फिर तुहाडी स्टोरी भी पूछांगे। मैं गीत धार्मिक भी गाए जी लिखे बहुत ज़्यादा किताबा छपिया पर सब तो पहला तुम गीत बारे आख्या मैं एक गीत अपनी आवाज बेच बोल के कह दिना जी जिसन सुरिंदर कौर दिल्ली ने सुरिंदर कौर दिल्ली वाली जी बेचारी गुजर चुकी है रमेश रंगीला भी गुजर चुकी है मैं अपनी आवाज बेच कह रहा इस गीत में फिर कई बार रिकॉर्डिंग लोगों ने होर भी करवाया जे कुड़िए तेनू बस नहीं मिलती पैदल जाएंगी थकनी जे कुड़िए तेनू बस नहीं मिलती पैदल जाएंगी थकनी चुप करके चढ़ जा मख मित्रां दा चलिया ट्रक नहीं पौ 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 मित्रां दा चलिया ट्रक नहीं चुप करके चढ़ जा। इसे दी मैं लाइन आखिरी कह के स्टॉप कर देना टाइम दे आउंदा होगा परवाने तेरे पुठे कारे सुरिंदर कौर दिल्ली वाली
ਪਰਵਾਨਿਆ ਤੇਰੇ ਪੁੱਠੇ ਕਾਰੇ ਮੈਂ ਬਿਲ ਕੋਲ ਨਾ ਸਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪਊਗਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹਾਏ ਮਖ ਮੈਂ ਡਰਦੀ ਨਾ ਪੈਂਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪਊਗਾ ਮਹਿੰਗਾ ਇਸੇ ਗੀਤ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋੜੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਾਇਆ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੀ ਜੇਕਰ ਪਰਵਾਨਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਜਾਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸ ਕਿਹੜੀ ਕੋਈ ਉਸਤਾਦ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਉਸਤਾਦ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਭੰਵਰਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਘੰਟਾ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ ਦਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਚਵਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ ਇੱਕ ਕਵੀ ਮੇਰਾ ਉਸਤਾਦ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਆਸਾ ਸਿੰਘ ਮਰਦਾਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਾਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਆਰਥੀ ਉਠਾ ਕੇ ਚੰਨ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਬਖਸ਼ ਸ਼ਾਦੀ ਖਾਨੇ ਵਾਲੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਧੂ ਹੁੰਦੇ ਰੱਬ ਵਰਗੇ ਘੁੰਡ ਕੱਢ ਕੇ ਖੈਰ ਨਾ ਪਾਈਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾ ਜੱਟ ਦੇ ਮੈਂ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸ਼ਿਕਸ਼ਾ ਲਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੀਤ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਵਾਇਆ ਉਸ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਜੰਗਲੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਵਾਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜੱਟ ਜੰਮਲਾ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਣਾ ਘਰ ਘਰ ਜੱਟ ਜੰਮ ਪਏ ਤੂੰ ਵੀ ਜੰਮਲੇ ਵਜਾਈ ਪਾਤੀ ਜੱਗ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਸਾਡਾ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਹੁਣ ਘਰ ਘਰ ਜੱਟ ਜੰਮ ਪਏ ਜੱਟ ਜੰਮਲਾ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਲਿਖਿਆ ਗੀਤ ਪਰਵਾਨੇ ਦਾ ਇਹ ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਇਆ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲ 'ਤੇ ਡਿੱਗੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਬਹਾਨੇ ਆ ਜਾ ਨਾਲ ਹਰਚਰਨ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਨਾਲ ਸੀਮਾ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮੈਂ ਦਸਵੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆਨੀ 'ਚੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ ਗਈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਰਸ਼ਾ ਪਲਾੜੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਲਿਖਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਗਾਉਂਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਲਿਪ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਗਈ ਵੀ ਗਾਉਣਾ ਹੀ ਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਬਣਾ ਲਿਆ ਵੀ ਗਾਉਣਾ ਹੀ ਇਹ ਇੱਥੇ ਜਸਵੰਤ ਭੰਵਰਾ ਜੀ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸ਼ੌਕ ਬਚਪਨ 'ਚ ਵੀ ਸੀ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੱਡੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਨ ਗਨ ਮਨ ਅਧਿਨਾਇਕ ਜਾਏ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਟਾਈਮ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਆਲਮਗੀਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਤੇ ਟਾਈਮ ਲਿਆ ਰਾਏਪੁਰ ਕਿਲ੍ਹਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਰਾਏਪੁਰ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗਾਇਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਣਜਾਣ ਸੀ ਵੈਸੇ ਨਿੰਦਰ ਬਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੋਟ ਪੂਰਾ ਬਰਾਤ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗਾਇਆ ਉਹ ਕੰਧ ਹੇਠ ਰੱਖ ਹੇਕ ਕੰਧ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਹੇਕ ਲੰਬੀ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਅਣਜਾਣ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹੇਕਾਂ ਮੈਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਈਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹਿੱਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਹੇਕਾਂ ਮੈਂ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸਟੇਜਾਂ ਉੱਤੇ ਪੰਜ ਸੱਤ ਸਟੇਜਾਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਵਲੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਬਾਪ ਗਰਦਿਆਲ ਨਿਰਮਾਣ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿੰਦਰ ਬੀਬਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਗੀਤ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਭੱਠੇ ਉੱਤੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਂ ਦਾਣੇ ਵੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇਜ਼ੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਮੇਰੇ ਰੋੜ ਮੁੰਡੇ ਆ ਪੇਕੇ ਛੱਡ ਜਾ ਮਹੀਨਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੰਡਿਆ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਪਰਵਾਨਾ ਜੀ ਦੇਖੀਏ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਣਿਆ ਉੱਥੇ ਹਰੇਕ ਕਲਾਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਦਫ਼ਤਰ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀ ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਗਾ ਮਿੰਨੀ ਮਹਿਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਵਾਰਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਮੈਂ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੈ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਪ੍ਰੀਤਮ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਆ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਬਾਲਾ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਗਾਇਆ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਇਆ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਾ ਚੱਲਿਆ ਗੀਤ ਭਾਈ ਕੈਮਰੇ ਵਾਲੇ ਆ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਲਾਹ ਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇਰਾ ਪੋਜ਼ ਬਣਾਵਾਂ ਇਹ ਗੀਤ ਬਹੁਤ ਚੱਲਿਆ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 10-12 ਗੀਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਏ ਉੱਚੀਆਂ ਖੂਹੀਆਂ 'ਤੇ ਡੋਰ ਖੜਕਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਘੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਢੋਊਗਾ ਭਾਬੀ ਸਾਗ ਉਹਨਾਂ ਜਾਈ ਤੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਰੋਊਗਾ ਇਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਕਰਮਜੀਤ ਧੂਰੀ ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਟੋਟਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਗਾਣੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਗਾ ਚੁੱਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੇਅੰਤ ਗੀਤ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਗੀਤ ਇਹ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਾਏ ਉਹ ਕਲਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਕਲਾਕਾਰ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੇ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਾਇਆ ਸਵਰਨਲਤਾ ਨੇ ਗਾਇਆ ਇੱਧਰ ਕਣਕਾਂ ਉੱਧਰ ਕਣਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕਾਂ ਦੇ ਸੜਕਾਂ ਮਾਏ ਮੈਨੂੰ ਤੋਰੀ ਨਾ ਕੱਢ ਲੈ ਜਵਾਈ ਦੀਆਂ ਰੜਕਾਂ ਭਾਵੇਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਗਾ ਗਰਮਜੀਤ ਹੋਰ ਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਵੀ ਸੀ 5-7 ਘਰ ਸੀ ਮਕਾਨ ਸੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਸੱਚ ਹੈ ਮੈਂ ਦੱਸ ਵੀ ਸਕਦਾ ਜਨਤਾ ਨਗਰ ਜਿੱਥੇ CTI ਕਾਲਜ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 2 ਨੰਬਰ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਚੁਬਾਰੇ ਉਹੀ ਪਏ
कमरे क्वार्टर किराए ते चाढ़े हुए जो वह भी उत्थे नजर आवणगे। इस तो बिना बिना गिल रोड के उत्ते मझा की डेयरी पाई तो दो तीन मकान उत्थे बनाए शिमलापुरी जिसे मैं हूँ बैठा अज मैं किराए से बैठा। इस महल के मेरे मकान इतने अपने से लोग किराए से बहाए हुए से मैं शिम हाँ। तुसी वो भी समा सी जो तुसी लोगों किराए पर बना अपने मकानों के लोग किराए पर बेंदे सी आज तुसी खुद किराए पर बैठे। मैं खुद किराए पर बैठा। सही बात है कि आज मैं जेडे भइए भइए बेचारे मेरे न बहुत प्यार करते रहे उन्होंने मैं किराए पर दिता सी अज मैं खुद भइया बनिया बैठा। और नहर के पास गुरद्वारा है दुख भंजन उत्थे जगह थोड़ी सी वो जगह मैं तुर फिर के कह सुन के संगतों के नाल अपने को भी पैसा खर्च के तो असी वो जगह बना के आए उन्होंने कागज भी लभ जाएंगे। महीने के किन्ने क प्रोग्राम बुक होंगे जिम्मे अजक कई बार एक दिन के दो दो तीन तीन प्रोग्राम भी बुक होंगे कला तू उदो समय कि एक प्रोग्राम दो प्रोग्राम तीन तीन भी लाए है एक दिन के एक दिन उदो होर कुड़ियां सौ कुड़ी न नवी नाल भी गाया। एक सिंदर सोनिया कुड़ी होंगी सी टकू दे टकूआ खड़ के भाजा बेमित्रा लोगों को देखा कि पहला चमकीला जी गाँवे तो छिंदा जी गाँवे सी नहीं उन्होंने नालों पहला मैं गाया। मैं उस तीन साल मैं मैं याद आ तीन साल मैं उन्होंने गाया और रिकॉर्डिंग भाजा बेमित्रा टकू दे टकूआ खड़ के उसकी रिकॉर्डिंग का टेस्ट मैं एच एन बिच मैं दवाया असं गह पानीपत पर गए से गाँव और जो आज रेशा आ गया उस तो बाद मैं पास हो गया। मैं लै गया कुड़ी मंजू कुत्ते वाली कौंपड़ी च तबे भरा चढ़िया वो नैट के उत्ते हूँ सुन सकते मतलब चलो तुम लिखा से गाँव यदा मतलब कि भी कुत्ते वाली कौंपनी च तबे भरा बन चली है कुत्ते वाली कंपनी ना है वह उत्ते कुत्ता छपया होंगे नाल मेरे मंजू मैं मंजू उस समय की सी कंपनी उस समय की मैं इतों कुड़ी मंजू है उन्होंने लै गया लै गया रिकॉर्डिंग वास्ते मेरे वो गीत हुए तो इधरों छिंदा जी वो लै गए छिंदर सोनिया भी रिकॉर्ड होने शुरू हो गए। ताडे कोले गड्डियां किन्नियां सी गड्डियां एक ही खास कह सकते हैं बहुत ही दसना नहीं चाहिए कितों लई कितों की कई कई लेंदा पाँगा कई बेच दिता एक कंबैसटर कार चलाई उस तो बिना बस स्टैंड के उत्ते जिन्हें गड्डिया वाले जिन्हें गड्डिया वाले से सारिया गड्डिया मैं वरतिया हुई ने कोई भी गड्डी मैं नहीं छड़ी जाने के प्रोग्राम से जाते गड्डी कई बार एक तो अपनी गड्डी सी एक दो गड्डिया नाल वैसे लेके जाते कई बार नाल सौ कुड़ी नवी के नाल गाया जिन्हें नाम वखरे 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 हो सकते हैं इन्हों से सुवर्णता के नाल भी गाया प्रीतम बाला के नाल भी आया तो जगमोहन कौर ने मेरे गीतों रिकॉर्ड कराया केदीप ने धार्मिक गीत कराए केदीप विजय बेचारा गुजर गया मेरे नाल जिन्हें साथी मशहूर कलाकार ने सारे गुजरती गुजर मैं पहला गल दस के हटा स्टेज के उपर गाते भी तो नचते भी काफ़ी से मैं तुम्हारी वीडियो भी यूट्यूब से अज भी लोग देख सकते यूट्यूब से पईं हुई नचते से नचते गाँवते भी सी किमें उस समा नचन का हिसाब स्टेज के उत्ते इन्नी पावर से शरीर जंप पाँच दस पंद्रह भी जिन्हें मर्जी जंप मारना लत्ता कुछ नहीं सी मैं पैर मेरी पैर की अड्डी धरती धरती भी लगती ही नहीं सी हूँ हूँ मैं वेड़े बच्चा उठ के जो थोड़ा तुर पैना उस थक के मैं बह जाना सिर्फ बाथरूम या लैटरिन इन्ना कि मेरे तो उठ आता है। समय समय की गल है कहे लाल इश्क दियाँ की दसा जिन्हों अपने राहे पा लेंदा बुले शाह वर्गे मुरशद नूं गलियां विच नचन ला लेंदा परवाना जी ते कदे वो भी समा सी कि स्टेजां दे उपर लगातार इन्होंने कहा मैं नच भी लेंदा सी पर दर्द तुहानूं दिखा भी रहा तो समय दा नालों नाल गेड़ बदलता भी तुहानूं असीं अपने कैमरे दिखा रहे फिर तुसीं मोटरसाइकिल भी गल की भी राजदूत उस समय हाँ राजदूत मोटरसाइकिल भैन जी के विआह ते लै के दित्ता दाज दे विच दित्ता सी दाज दित्ता जी ओ मेरी भैन रामगढ़िया टीच स्कूल की टीचर सी ते अज वह गुजर चुकी है जी डैथ हुई है इन्नी औखी हुई है कि मैं शर्म आई है दसद मेरा मुंडा भी मरिया मुंडे की भी डैथ बड़ी औखी हुई है वह दिल का मरीज सी बोवी इस बिना बाकी मेरी घरवाली में डैथ हुई वह तो पैसा बहुत लग्या सी मेरी पहली डैथ वाली है जी थोड़ी पिछले उन्हें मदद लवाई सी पहली डैथ वाली है जी ने पर ऐतकी पैसे अजे अजे नहीं आए पता नहीं की होया तो संधीडा जी ने भी मदद कराई उदू बाद साड़िया जड़िया डैथा मुंडे का बबलू का एक्सीडेंट हो गया अच्छा पैसा लग गया अच्छा जेकर आप फैमिली से माड़ी जी झात मार लिया बच्चे किन्ने से बच्चे अठ तीन कुड़ियाँ पांच मुंडे जिन्हों एक डैथ हो गया तो एक मुंडा घर जवाई है जी
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਘਰ ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜੀ ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਸੁੱਖਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਮਕਾਨ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਇਹ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਕਿਰਾਇਆ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਸੁੱਖਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਵਾਈ ਆ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਜਵਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬੁੱਚੇ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਹਨੂੰ ਵਚਨ ਚੱਕੀਏ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਮੇਰੇ ਭਾਗ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਬਣਿਆ ਸਰੀਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਖਰ ਗਿਆ ਹੁਣ ਛੋਟੀ ਕੁੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਇਹ ਇਹ ਮਾਣ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁੱਖਾ ਜਵਾਈ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਮੁੰਡੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਆ ਮਿਲਣ ਘੱਟ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਆ ਗਏ ਨਾ ਆ ਗਏ ਕਦੇ ਮਿਲ ਗਏ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਈ ਬੰਝ ਜੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫੋਨ ਫਾਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਬਬਲੂ ਹਾਂ ਬਬਲੂ ਮੁੰਡਾ ਇੱਕ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਬਾਰਨਹਾੜੇ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਘੱਟ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਆ ਨਾ ਵੜ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਗੀਤਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਗੀਤ ਸੱਸ ਕੁੱਟਣੀ ਸੰਦੂਕਾਂ ਉਹਦੇ ਨਿੰਮ ਦਾ ਲਿਆ ਦੇ ਘੋਟਣ ਮੇਰੇ ਗੀਤ ਰਹਿੰਦਾ ਰਾਜਨ ਅਤੇ ਜਗਜੀਤ ਜੀਰਵੀ ਜੀਰਵੀ ਉਹ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਚਵਾਰੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਖੇਲਾਂ ਗੀਟੀਆਂ ਗੱਭਰੂ ਜਵਾਨ ਮੁੰਡਾ ਮਾਰੇ ਸੀਟੀਆਂ ਖਿੱਚ ਕਾਂਟਾ ਅਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਵਾਰੇ ਖੇਲਾਂ ਗੀਟੀਆਂ ਗੱਭਰੂ ਜਵਾਨ ਮੁੰਡਾ ਮਾਰੇ ਸੀਟੀਆਂ ਰਜਿੰਦਰ ਰਾਜਨ ਸੱਸ ਕੁੱਟਣੀ ਸੰਦੂਕਾਂ ਉਹਦੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਡਿਊਟ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ ਸੀ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੌਜ ਸੋਲੋ ਵੀ ਕਰਤਾ ਮੇਰੇ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਕਲ ਕੀਤਾ ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗੀਤ ਨਕਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪੁਲਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਪਾਣੀ ਚੱਡੇ ਡੀਹਾਂ ਉੱਤੇ ਡਾਕ ਹੋਣ ਕੇ ਰੋਂਦੀ ਹਾਂ ਬਿੱਲੋ ਤੇਰਾ ਜੀਜਾ ਲੈ ਗਿਆ ਸਾਕ ਇਹ ਮੇਰਾ ਗੀਤ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਅਸਲ ਦੀ ਗੀਤ ਮੇਰਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਨਕਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦੋ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਨਕਲ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਗੀਤ ਮੇਰਾ ਸੀ ਅਨੇਕਾਂ ਕਲਾਕਾਰ ਹਿੱਟ ਕੀਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੁੰਮਨਾਮ ਬਣ ਕੇ ਚਿਹਰਾ ਬੈਠੇ ਹੋ ਇਹ ਸਮਾਂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਜੀ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਆ ਉਹ ਰੰਗਲੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਦਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਔਰ ਕੱਟ ਸੋਹਣੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੱਚ ਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਾਂ ਔਰ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਕੁਛ ਗਰੀਬੀ ਨੇ ਮਾਰ ਲਏ ਲੋਕਡਾਊਨ ਨੇ ਮਾਰ ਲਏ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੁਢੇਪਾ ਉਮਰ ਹੈ ਬੁਢੇਪੇ ਨੇ ਮਾਰ ਲਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਰ ਕੋਠੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦ ਸੀ ਗੱਡੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਡਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀਤਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੱਝਾਂ ਹੀ ਡੈਰੀ ਪਾਈ ਮੱਝਾਂ ਹੀ ਡੈਰੀ 33 ਮੱਸਾਂ ਦੀ ਮੱਝ ਪਾਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਧਾਂਦਰਾ ਰੋਡ 'ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ 'ਚ ਇੱਕ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਰੀ ਸਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਈ ਮੱਝ ਉਹ ਮੱਝ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਨਵੇਂ ਦੁੱਧ ਕਰਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮਾਛੂ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਆ ਗਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਪੈਸੇ ਮੈਂ 20 ਰੁਪਈਏ ਉਦੋਂ 20 ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ 20 ਰੁਪਈਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਝ ਅਸੀਂ ਲੈ ਚੱਲੇ ਆ ਲੈ ਜਾਓ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੱਝ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਠੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਿਰਫ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਸੋਚੀ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਘਾਟੇ ਪੈਂਦੇ ਗਏ ਜਾਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਹਾਂ ਘਾਟੇ ਵੀ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਘਾਟਾ ਕੁਛ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਹਾਲਤ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਬਗੈਰ ਪੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦਾ ਪੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦਾ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਾਫੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਦਸਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਟਾਈਪ ਦੀ ਬੰਨਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬੰਨਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਕੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਕਿਵੇਂ ਦਸਤਾਰ ਮੇਰੀ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰੰਗ ਉਹਦੀਆਂ ਦੋ ਨੋਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਦੋ ਨੋਕਾਂ ਔਰ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਸਟਾਈਲ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਸਟਾਈਲ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਗੀਤ ਸੀ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਕਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਵਰਦੀਆਂ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਨੱਚਦਾ ਸੀ ਚਮਕੀਲੇ ਦਾ ਮੇਲਾ ਗੋਆ ਹੈ ਔਰ ਹੋਰ ਚੈਨਲ ਗੋਆ ਨੇ ਅਤੇ ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਪੁੱਛੋਗੇ ਮੈਂ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਜੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਵੱਡੇ ਬਾਕੀ ਕਲਾਕਾਰ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਕਲਾਕਾਰੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲਿਆਏ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਮਾੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਐਸਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਲਾਕਾਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਲ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਆਹਾਂ ਵਾਲੇ ਲਿਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਵਿਆਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਬਹਿਣ ਝੰਡੀ ਰਹੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ
इंडिया जानि कि इंडिया तो बाहर नहीं गया, बाहर मेरा मैटर गया, अखबारां गई, किताबां छपियां अमृतसर तो, चतर सिंह जीवन सिंह पुस्तकों वाले बाजार माई सेवा अमृतसर, उन्होंने छापियां वो सारे वर्ल्ड से मेरिया पहुँचिया ने। मैं हूँ रह तो नहीं दिता क्योंकि इस लैन का हूँ उन्ना असर नहीं पैंदा जिन्ना पहला सी कि लोग लैन आते सी। तो वह पीर पीर बाबे के मेले मैं इन्ने लाए है कि एक दिन तीन तीन दो तीन तीन मेले मैं लाता रहा नच के, और मेलिया उत्ते मैं पूरा सत्कार माण मिलता रहा। कई बार बहुत बहुत आनाम भी मैं डिग पैंता रहा, ऐसा वो परमात्मा की रचना। एक डेरे उत्ते महंत बाबा ने थइया हज़ार हज़ार रुपए दगा के मारियाँ, पर मैं वो सारा जो पैसा उत्तर पे ही छता, मैं चक्या नहीं। स्टेज सैकटरी कहता रहा परमाना जी पैसा चक लो, गाँव छड़ दौ पैसा पैसा सामभ लो। मैं एक पैसा नहीं चुका, सारी लोग संगत ही लै गई। किमें वेखते हो वह भी समा सी अज के समय अज समा मैं कीर्तन भी किया, गुरबाणी पढ़ी भी है। पहला ऐसी आदत पै गई भी मैं गाँवना जिते गुरु महाराज दे है मत्था गा के जिन्ना नाम बनया गुरु महाराज ने मत्था टेक देना, ये भी आदत पै गई सी। मेरा उदो पैसे पैसे ना दर घट सी, हूँ अज पैसा नहीं लभदा, हूँ पैसे बगैर बहुत औखा टाइम चल रहा, किराया भरना भी बड़ा मुश्किल है जी। किराया भरना भी तुम क्या भी उदो तुम पैसे को प्यार नहीं करते जो लोग थइया ताे उपर दी जो तुम गाँव सैट देंगे तहु नहीं लगता कि अच्छ गायकी पैसे की रहेगी हूँ हूँ मजबूरी है। उदों पैसा मेरे को बेअंत आया, प्लाट आए प्लाट वेच वेच के मैं नाल ही नाल मुंडिया भी दे दिता रहा। एक मेरी बड़ी गलती है कि मैं ज्योंदे जी अपनी जायदाद बेच के मुंडिया जिन्ना क सरदा सी मैं वो नाल ही वंडता, अपने को कुछ रखे ही नहीं है, रखा ही नहीं है, चाहे मेरी गलती समझ लो। ताडे मुंडिया कोले जिहड़ी प्रॉपर्टी उन्होंने आपकी भी किराए पर बैठे जा सारे कोले अपनी, उन्होंने विचों दो तीन मुंडिया ने अपनी बढ़ा ले है ते कुछ किराए पर भी ने ते कुछ किराए पर भी ने कुछ बना भी रहे। जिथे तुसी रहिंदे हुंदे सी उत्थे तुहाडे कलाकारां दा धक्का पैंदा होऊगा, असी पंजाबी गायक आउंदे जांदे रहिंदे होणगे ताडे कोले। हाँ धक्का आखिया धक्का कलोनी उत्थे कलाकार बहुत ज़्यादा रहिंदे आ, धक्का कलोनी उत्थे भी उन्होंने लोगों ने मेरे गीतों को गाया। हाँ गुरलेज अख्तर मेरे मेरे चेता आ गया, गुरलेज अख्तर अजकल मशहूर हो गए है, पर वो जो नवे नवे से उन्होंने मेरे गीतों को रिकॉर्ड कराया, दसन लगे हाँ मैं पाउडर बन मित्रा तेन गोरिया गलों ते लाव होना चलिया टी वी उत्ते नाल संजीव जलाली सी। इस तो बिना एक गीत होर सी बिस्की तू रंग बिस्की के पैग वार के वेखना जरूर तेन पी के, जस्सा सिंह धक्का कलोनी वाली उन्होंने गाया इस गुरेज आखिर। तुम बड़े कलाकारों हिट दिता पर उन्होंने ताकि किसी ने माली मदद ज पैसे की मदद की नहीं, कोई कोई खास नहीं कर सके। उदों माड़ा मोटा यही है नाल दी नाल खाण पीण दा ही, होर ज़्यादा नहीं किसी ने मदद की। हरचंद गरेवाल उसने मेरा गीत बहुत ज़्यादा गाता, वो बेचारा उसकी डैथ हो गई। यानी जिहड़े बहुत मशहूर ने वो सारे डैथ हो गए ने, जिन्हां ने जमले नाल किन्ना क समां बतीत कीता लालचंद जमला जी नाल। जमला जट जमले जट मैं मत्था टेकदा रहा, उन्होंने कोठी जाता रहा, तो बांदरी बनी होंगी सी विहड़े च, मैं उन्होंने को टाइम पास कर रहा। फिर शुरू स्टार्ट मैं उन्होंने नकल करके भी गाँव रहा। तो उस तो बाद एक मैं तेन होर दस लगे हाँ, एक अजीत सिंह राही जेल का सुपरडेंट हों, अजीत सिंह राही जेल का सुपरडेंट बंगा जी, उसका मुंडा कचहरिया के इस टाइम वकील है। तो जोगा सिंह राही उसने मेरा गीत बी नींद बीबा जी नाल गाया, मैं तो सज्जों की होई, मैं तो खब्बियों की होई, मेरे तू फिर भी बचाले मैं जी डारी जाण के पंगे लंदा फिर जेठा वे तू जान जाण के। ये गीत वो बेचारे ने मैंने कहा मैं तेन मेरी मदद करूँगा, उन्हें करनी सी भी डेथ हो गई, मेरे भागों में नहीं सी। प्रीतम बाला बस स्टैंड से बैठी है भाई कैमरे वाले मेरी फोटो ला दे। इस तो बिना मैं आप जो हूँ समा पास रहा जी करता है कि मैं दोबारा फिर कोशिश करके उठा तो दोबारा दुनिया को खुश करने की कोशिश करा, पर सेहत अज भी तमन्ना हुई है कि मैं उस तरह जिमें पहला स्टेजा नचता सी उस तरह गाँव सी बी परमात्मा वाहेगुरु कृपा करे तो मैनू फिर उस तरह ही मौका दे एक बार।
पर उठने की शरीर जानी कि ताकत नहीं पैंती है। दिमाग चाहिए गीत फुरने आते हैं कि नहीं आते है नवें नवें गीत मैं धार्मिक बहुत लिखदा ता कि जड़िया मेरिया गलतियां भुला ने परमात्मा मैं माफ कर दे। ज़्यादा ज़्यादा कोशिश करता भी धार्मिक ही मैं लिखा गुरुआ के पीर के अल्लाह राम वाहेगुरू मैं सारिया के गीत गीत लिखदा किसी धर्म में भी मैं इदा नहीं कि गीत ना दते हो जी। दर्शकों तुम देखा कि असी चतर सिंह परवाना जी ने गलबात की है तो उन्होंने दसिया कि अपनी समय की गेट दी दसिया समा किड्डा वड्डा बलवान है तो समय तो डरना चाहिए। एक बार मैं इन्हों अपनी स्क्रीन राही इन्हों भी इन्हों नंबर पुछदा तो तहूँ भी एक बार रिपीट करके दसूँगा कि इन्हों नंबर जो कोई दानी सज्जन ज कोई मदद वाला वीर इन्हों की मदद करनी चाहे तो इन्हों की मदद कर सकता। हाँ जी नंबर कि मेरा नंबर फोन का तुम नोट कर लो 9878413759 दोबारा फिर बोलदा 9878413759 तो हूँ इस दे नाल ही मैं सारे स्रोतियां नूं मैं बेनती करूँ जिन्हां नूं परमात्मा ने बेअंत गफे भरे है गफे दिते है ताजा भगवान तो मान जी उन्हां नूं बेनती करदा उन्होंने एक अगे बेनती करता भी मेरी मदद की जाए रहन दी सहन दी जां खर्चे की। इस तों बिना बलकार सिद्धू जी ने मेरा गीत गाया सी हौली हौली चल वे तू सरसा दे पाणियां बहुत चलिया बहुत चलिया अपनी आवाज़ मैं एक गीत छोटा जिहा कह के मैं हुणे समाप्ति करन लगी हाँ जवानी नूं कह रहे हाँ भी जवानी जा रही है मैं कहना मुड़ जा वह नहीं आउंदी टाइम हैगा आ जानी जवानी है क्यों दूर दूर जानी है होए 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 आजा नहीं जवानी है क्यों दूर दूर जानी है छड़ दे दिल तड़फाउणा नहीं खड़ी होके गल सुन जा तेरे मगर किसे नहीं आना खड़ी होके गल सुन जा उम्र न्याणी बिच रही मैं इतों दूर उदों नहीं सी आता मैनू इश्क दा सरूर जब तू जवानी नहीं मेरे उत्ते आई मैं सिख लिया नचना ते गाउणा खड़ी होके गल सुन जा तेरे मगर किसे नहीं आना सारा कह दवा एंड कर दवा दूजा जब तू जवानी ने मेरे उत्ते आई तीन तीन खाड़े गई रोज़ दे लवाई चौंदे चौंदे गाने में तो गई तो लिखाई हूँ मैनू लगता है पाएगी जदाई मैनू डिगदे नू किसे नहीं उठाउणा खड़ी हो गई गल सुन जा तेरे मगर किसे नहीं आउणा कहिंदा तेरा ये विछोड़ा मैथों कटिया नहीं जाता चना ते गाउण तो हटिया नहीं जाता कीती नहीं जवानी में नोटा की संभाल हो सानू पऊ पछताउणा खड़ी होकर गल सुन जा एक लफ्ज कह रहे हाँ असी दर्दा दी दरिया नहीं एक दुख हो सही जे तू जानी है तो जा नहीं एक दुख हो सही आखिरी गल कह लगे हाँ फिर दियाँ नवें नवे मुंड फिर दियाँ नवें नवे मुंडिया भाल दी उम्र दा मेरी है 82 साल दी गीतों का लिखारी चटल सिंह परवाना गीतों का लिखारी चटल सिंह परवाना हूँ थोड़े दिन का प्रौना खड़ी होके गल सुन जो तेरे मगर किसे नहीं आना खड़ी होके गल सुन जो। परवाना जी ने इस गीत दे विच अपनी पूरी जिंदगी की कहानी दसती कि जवानी की कुछ करवाउंदी रही गाने भी लिखाउंदी रही गवाउंदी भी रही पर अज टाइम जदों उस जवानी नूं खड़न दा सी वो जवानी इन्हां कोले नहीं खड़ी। एक बार फिर मैं अपने स्क्रीन पर तुहानूं इन्हां दा नंबर दस दिना कि 9874131769 9874131769 तो एक बार फिर भी जिहड़े साडे वीर चैनल वेख रहे आ जिहड़े साडे दर्शक वीर चैनल वेख रहे उन्हां नूं फिर अपील करदे आ कि इस परिवार की मदद की जाए जिहड़े सज्जदानी सज्जन अगे आउण इस परिवार के लिए अते जिहड़े कहिंदे आ पंजाबी ते पंजाबीयत नूं प्यार करदे जिहड़े कलाकार आ जिहड़ा कलाकार हरेक कहिंदा कि असीं पंजाब लई आ कुछ कीता पर इस ने जिन्हां ने काफ़ी पंजाबी नूं प्यार भी दिता ते पंजाबी कलाकार हिट भी किए उन्हां नूं भी मैं अपने चैनल दे राहीं कहिंदा कि इन्हां दी बांह फड़ी जाए परवाना जी दी तां जो इन्हां नूं जिहड़ा बीतिया होया समा वो याद ना आ सके कि मेरे ते वो भी समा सी जिहड़ा समा बराबर ही रहे तां एक बार फिर तो असीं अपने चैनल दे राहीं अपील करदे आं। परवाना जी तुहाडी बढ़ेपा पेंशन लगी हुई आ? नहीं जी बढ़ेपा पेंशन नहीं लगी हुण तक नहीं लगी। क्यों नहीं लगी कारण की तुसीं कितें गए जां इत्थे कोई कमेटी दे विच जां कितें भी तुसीं किसे नूं अफसर नूं मिले होए? वैसे ये मेरी अपनी भी घोल है कुछ मैं ये सोचता मैं विश्वास है गवर्नमेंट से भी नौ या बढ़ेपा मेरे बारे लोग उन्होंने पता सब कुछ मेरे तक पहुँचने पर पहुँचे कोई नहीं कुछ मेरे तो भी घोल हो जाती है कुछ शरीर कमजोर करके मेरे तो
ਉਹਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਫਾਈਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿਸੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਡੀਸੀ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਕਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜੀ, ਅੰਬੈਸਟਰੀ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ 7-8 ਜਿਹੜੇ ਮਕਾਨ ਸੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ 7-8 ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ, ਚਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਰਵਾਨਾ ਦੇ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਰਹਿ ਉਸਦੇ ਘਰ ਦੇ, ਮੈਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ, ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਵਾਸ਼ਰੂਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਖੇਡ ਆ, ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਬਲਵਾਨ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।